गाइस चलिए हमारी मैंगो कुल्फी बनाना शुरू करते हैं। अच्छे से ये आम को हम लोग सबसे पहले इसका टॉप कट करेंगे, इसका पल्प वाला पार्ट और गुटली इन दोनों को हमें अलग करना है। नाइफ की हेल्प से आप हल्का सा प्रिक करके गुटली वाला जो पार्ट है ना उसको सिर्फ निकाल दीजिए। एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो आम है वो पूरा कट ना हो जाए। फिर हम 1 कप मिल्क ऐड करेंगे जिसके अंदर 1 to 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। अगर आपने प्रॉपर सीजन में ये रेसिपी बनाई तो प्रॉपर स्वीट मैंगो के लिए आपको शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मेल्ट होने के बाद 2 मिनट तक हमें मिल्क को थोड़ा हल्का बॉयल देना है जिससे ये थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा और फिर इसके अंदर हमें मैंगो पल्प ऐड करना है। ठंडा होने के बाद हम लोग कप से ये प्रॉपर पूरा फिल कर देंगे, आप देख सकते हैं। मैंगो को प्रॉपर मैंने कुल्फी से फिल कर दिया है। इसको हमें फ्रीजर में रखना है अराउंड 4 to 5 आवर्स के लिए, और अगर ओवरनाइट रखोगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे जिससे आपको कटिंग के टाइम पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पीलर से इसकी स्किन पील करके इसको अच्छे से कट करना है। ये रेसिपी काफी सिंपल है और काफी टेस्टी है, इससे कि प्रोसेस थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है बट आपको एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी चाहिए। एक प्लेट में ये राउंडल्स लीजिए और इसके साथ आप फ्रेश मैंगो भी कंज्यूम कर सकते हैं जिससे इसका और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इन्जॉय द समर्स। और भी नई नई रेसिपीज़ जल्द ही मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा, इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।